हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का अगला टॉपिक करने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम एंड लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसके अंदर हम उस प्लांट की रूट को या तो या उसके स्टेम को या उसकी लीफ को यूज़ करके एक नया प्लांट बना देते हैं अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो कुछ एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर हम प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है जिसके अंदर की रूट आता है आपका, स्टेम आता है और लीफ आता है, तो हम वेजिटेटिव पार्ट से जब हम कोई नया पार्ट बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, तो इसको हम कह देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट कैन इंडीड यूज सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स इस तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर परपजेज। तो ये इसके अंदर आपके दो टाइप्स बताए हैं, आपके जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके दो टाइप हैं, एक कटिंग है, एक लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। लेयरिंग के अंदर आपका हो जाता है कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, उसका स्टेम है, तो स्टेम को दबा के और एक नया इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। ये कोई प्लांट है, इससे कोई स्टेम निकला, इस स्टेम को मिट्टी के अंदर दबा दिया, कुछ टाइम बाद इसके रूट्स निकल आती हैं और फिर इसको यहाँ से कट करके और ये वाला पोर्शन एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल आपका है पोमीग्रेनेट, अनार के अंदर ऐसा करते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग का आप जानते ही हैं कि भाई ग्राफ्ट करते हैं प्लांट को, एक प्लांट को कट कर दिया जाता है और उसके ऊपर दूसरे प्लांट की जो रूट ने जो कट करके उसी प्लांट के स्टेम के ऊपर लगाया जाए। जैसे कि ये कोई इसको हमने कट कर लिया है और ये कोई ऊपर का पार्ट है, तो हमने इसको इस वाले प्लांट के ऊपर प्लांट करना है, ग्राफ्ट करना है, तो इसको हम कह देते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग। कटिंग क्या क्या होता है कि भाई नॉर्मल हम किसी भी प्लांट के स्टेम को या कुछ को कट करके नीचे सोइल में लगा देते हैं और उससे कुछ समय के बाद रूट डेवलप हो जाती हैं, तो हो जाता है आपका कटिंग। इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, शुगर केन हो गया, जैसे रोज हो गया, ग्रेप्स हो गए, तो इसके अंदर ये आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन या इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काफ़ी यूज किया जाता है। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट उगाए जाते हैं वो प्लांट बहुत ही जल्दी फ्लावर और फ्रूट देते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट्स विच आर रेज थ्रू द सीड्स। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एज एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो उन प्लांट्स को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, उन प्लांट्स की भी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करके। इसके अंदर आपके एग्जांपल है बनाना, आपके ऑरेंज हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, तो ये कुछ एक प्लांट्स हैं, इनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही इसका रिप्रोडक्शन करते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट टू हैव ऑल इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो आपका जैसे पहले बताया कि भाई जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं पेरेंट्स की, जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो एग्जैक्ट कॉपी होती हैं जिसको हम क्लोन्स कहते हैं। तो ऐसे ही जो आपका प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है आपके पेरेंट प्लांट की, उसी के सारे करेक्टर उसके अंदर मिलते हैं। सिमिलरली ए बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचिज अलोंग द लीफ मार्जिन्स ऑफ ब्रायफाइलम फॉलो द सोइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। ऐसे ही क्या होता है, एक प्लांट होता है ब्रायफाइलम, तो ब्रायफाइलम के जो लीफ के बीच में नोच जो होते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नोच हैं, जो पत्ते के बीच में जो नोच है, नोच के ऊपर
क्या आपका प्रोड्यूस हो रहा है, बर्ड्स निकल रहे हैं, और वो बर्ड्स क्या हैं, जब ये पत्ता नीचे धरती में गिरेगा और यहीं से क्या है नया प्लांट बन जाएगा, तो हम क्या कहते हैं ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो कि लीफ के थ्रू हो रहा है, इसको हम कहते हैं लीफ बर्ड्स। तो लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम जो एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। या आप एक्टिविटी भी कर लीजिएगा, एक और आपका इम्पोर्टेंट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है कि भाई लैब कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं, जब हम लैब में किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो हम कहते हैं इन विट्रो प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर किसी भी प्लांट के छोटे से पार्ट को लेकर के उस प्लांट से एक उस जो पार्ट लिया है उसका यूज करके हम पूरा प्लांट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। देखिए इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। मान लीजिए कोई प्लांट है बाहर खड़ा हुआ है, उसके आपने उससे एक लीफ लिया और लीफ को बिल्कुल पीस लिया है, क्रश कर लिया है, और क्रश करने के बाद उस लीफ को जो बिल्कुल क्रश किया हुआ है उससे हम नया प्लांट बनाएं अगर, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। मतलब एक अगर हमें सेल भी मिल गया उस सेल से भी हम नया प्लांट बना दें, एक टिश्यू मिल गया उस टिश्यू से नया प्लांट बना दें। देखिए दीज सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे आर डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। क्या होता है कि हमने मान लीजिए बिल्कुल छोटा सा पीस करके जो पत्ता लिया था उसको हमने एक मीडियम, एक ऐसे मीडियम के अंदर उसको ग्रो किया, उसको एनवायरनमेंट दिया एक ऐसे मीडियम का जिसके अंदर कि उस मीडियम के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स का यूज करके वो जो आपका हम कहेंगे एक्सप्लांट है, जो बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है जिससे हम नया प्लांट बनाएंगे, उससे क्या बनेगा, वो उसके जो सेल होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करेंगे और बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेगा, हम कहते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको हम कहते हैं कैलस। तो कैलस क्या होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे कैलस को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, एक दूसरे मीडियम के अंदर जिसके अंदर की अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स क्या करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं बन चुके हैं, अब ये सेल्स अपना अपना काम डिसाइड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो उसको एक कैलस बनने के बाद उसको एक दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर उनका आगे ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन होता है। आगे क्या होता है, द प्लांट लेट्स आर देन प्लेस्ड इन सोइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। अब क्या होता है धीरे धीरे अब वो जो आपका अलग अलग पार्ट्स बनने शुरू होंगे उससे रूट्स निकलेंगे उसी मीडियम के अंदर, उसको हम रूटिंग मीडियम कहते हैं। अब रूट्स निकलने के बाद उसको एक और मीडियम चेंज किया जाता है ताकि उसकी शूट्स निकले ऊपर का ग्रीन पार्ट बने, तो ग्रीन पार्ट बनता है, और वो धीरे धीरे जब वो काफ़ी ग्रो हो जाता है उसके बाद उसको सोइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहीं पे एक जो गमला होता है गमले के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, गमले को शुरू में लैब के अंदर ही रखा जाता है कुछ दिन तक, और धीरे धीरे उसको बाहर के माहौल के अंदर एक्सपोज किया जाता है, इसको हम कहते हैं हार्डनिंग। तो ये जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे किया जाता है, ऐसा नहीं है कि लैब से सीधा ही हमने आपके फील्ड कंडीशन या एनवायरनमेंट की जो बाहर की कंडीशन में रख दिया है उसको धीरे धीरे ढाला जाता है बाहर के माहौल में, कुछ समय के लिए रख दिया फिर लैब में रख दिया फिर कुछ रख दिया। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। तो क्या होता है मान लीजिए कोई एक प्लांट है जिसके बहुत अच्छे करेक्टरिस्टिक हैं और हमें बिल्कुल ऐसे ही प्लांट चाहिए, तो हम उसके टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, उसी प्लांट से टिश्यू कल्चर का यूज करके हम बहुत सारे प्लांटलेट्स उस प्लांट की पौध तैयार कर सकते हैं जो कि बिल्कुल डिजीज फ्री रहते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इसको हम जो सजावटी पौधे होते हैं उसके लिए काफ़ी यूज किया जाता है, इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन भी वर्ड यूज किया जाता है। एक प्लांट टिश्यू कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। देखिए जो अगला टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन, जिसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है राइजोपस। तो राइजोपस में क्या होते हैं आपकी स्पोर फॉर्मेशन। देखिए इवन इन मल्टी सेलुलर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये क्या बोल रहा है कि भाई जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम पहचान सकते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 अबव आर द हाइफे ऑफ ब्रेड मोल्ड राइजोपस।
तो ये जो एक्टिविटी 8.2 थी, इन्होंने क्या किया था, ब्रेड को बाहर रख दिया था, उसको मॉइस्चर थोड़ा मिलते ही उसके ऊपर एक मोल्ड डेवलप हो जाती है, एक ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो जाएगा और उसके ऊपर क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वो दिखाता है। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं हाइफे, और ब्रेड के ऊपर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है तो हम उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड, जिसको बोला जाता है राइजोपस। तो राइजोपस है, राइजोपस के ऊपर क्या डेवलप होते हैं हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखिए दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अब ये जो हाइफे हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड दे ब्लोब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। क्या होता है ये जो हाइफे होते हैं, ये जो आपके डायग्राम में देखिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको हाइफे बोल रहा है, और इसके ऊपर जो ब्लोब है, जो हाइफे के ऊपर जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं, इसका रोल होता है आपके रिप्रोडक्शन के अंदर, इसको हम कहते हैं स्पोर्स। द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया, जो ऊपर जो आपके जो ब्लोब्स हैं, जो गोल गोल स्ट्रक्चर हैं हाइफे के ऊपर, उसको कहते हैं स्पोरेंजिया, विच कंटेन्स सेल्स और स्पोर्स। अब ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या है, देखो ये जो डायग्राम में दिखाया गया है बिल्कुल बारीक तरीके से, ये जो बिल्कुल बारीक बारीक आपको दिख रहे हैं ये क्या है, स्पोर्स हैं या सेल्स हैं, दैट इवेंचुअली डेवलप इंटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। अब ये जो स्पोर्स हैं या जो सेल्स हैं वो जब नीचे गिरेंगे तो जहाँ भी गिरेंगे तो वो एक नया राइजोपस बना लेते हैं। तो ये आपका स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि हवा के थ्रू भी फैल सकते हैं, स्प्रेड होते हैं, और जहाँ भी वो आपके सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा जिस कंडीशन में, और उसी एरिया में वो नया राइजोपस बना लेते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट दैम अंटिल दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन ग्रो। क्या होता है स्पोर्स के जो चारों ओर होते हैं एक थिक वॉल होती है, सिस्ट बोलते हैं हम, तो ये जो एंडोसिस्ट, तो जो फोर जो स्पोर होता है इसके चारों ओर एक प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है जब तक ये अपने सूटेबल एनवायरनमेंट तक ना पहुंच जाए, और जब इसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, अच्छा मॉइस्चर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के ये ग्रो कर जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कहीं उड़ करके किसी ब्रेड के ऊपर गिर गए तो ब्रेड थोड़ा मॉइस्ट है और ब्रेड को ये यूज कर सकता है, तो ब्रेड के ऊपर ये एक नया राइजोपस, नया ब्रेड मोल्ड डेवलप हो जाएगा। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फार अलाउ न्यू जनरेशंस टू बी क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल। तो ये जो हमने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो अभी डिस्कस किए हैं अलग अलग टाइप्स, तो इसके अंदर आपको पता है कि ये क्या है, सिंगल इंडिविजुअल से ही पैदा होते हैं, तो हम इसीलिए इसको कहते हैं यूनिपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट करैक्टर है आपका यूनिपेरेंटल। दूसरा जो आपको बताया गया था वो था क्या, इसके अंदर कोई गैमेट नहीं बनता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं आती है, और इस केस में जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, जिसको हम कहते हैं क्लोन्स। तो ये सब था आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके अगला पोर्शन वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको हम प्लांट के अंदर भी हमने स्टडी करना है और ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।